नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये दो टॉपिक्स हैं, एक थर्मल पोल्यूशन और दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन ऐसी पोल्यूशन को बोलते हैं जब वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाए, और ये इंक्रीज़ होती है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से। इंडस्ट्रीज से जो काफ़ी गर्म लिक्विड जो होता है, हीटेड लिक्विड, वो रिवर्स या लेक्स में अगर बहा दिया जाए तो वहाँ का ये टेम्परेचर बढ़ा देता है, और इस एबनॉर्मल बढ़े हुए टेम्परेचर को बोलते हैं थर्मल पर। अगर इंडस्ट्रीज से गर्म पानी वाटर बॉडीज में मिला दिया जाए तो वाटर बॉडी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? सबसे बड़ा कॉज जो है थर्मल पोल्यूशन का वो यही है कि इंडस्ट्रियल मशीनरी को ठंडा करने के लिए जो पानी यूज़ होता है वो इंडस्ट्रियल मशीनरी को ठंडा करते करते खुद गर्म हो जाता है, और इसको जब पास के रिवर्स में बहा दिया जाता है वहाँ का ये टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो इसके कुछ नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे जियोथर्मल वेंट्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो जाते हैं जैसे काफ़ी गर्म पानी निकलता है इनमें से भी, फिर सॉइल इरोजन, ये मैन मेड कुछ कॉजेज हैं, डिफॉरेस्टेशन, रन ऑफ फ्रॉम पेव्ड एरियाज और अदर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ हॉट वाटर। डीफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि शेड कम हो जाती है आसपास में, और जो खाली जो एक्सपोज सरफेसेस में जो पानी होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, और इस एरिया से जो पानी बहता है वो भी गर्म हो जाता है बहते बहते, और जो वाटर जिस रिवर में जाता है, जिस झील में जाता है उसका भी पानी गर्म कर देता है। और कुछ पानी टिका हुआ होता है एक ही जगह पे, जैसे हल्के फुल्के तालाब होते हैं जो एक ही जगह पे टिका हुआ पानी होता है, यहाँ पे भी जब सन रेज पड़ती हैं डायरेक्ट इनके ऊपर ये पानी भी गर्म हो जाता है काफ़ी। ठीक है, और जब किसी इंडस्ट्री से पानी को रिवर या लेक में पंप किया जाता है तो उसका टेम्परेचर सेम उसी तरह बढ़ता है जैसे किसी बाथ टब के अंदर हम किसी घड़े में से गर्म पानी डालें तो उसका टेम्परेचर कुछ डिग्रीज तो बढ़ता है, उसी तरह से रिवर्स पे भी इसका असर पड़ता है जब इंडस्ट्रीज से गर्म पानी जाता है। नुकसान हमने पिछले डायग्राम में देख लिया था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी के अंदर, गर्म पानी ऑक्सीजन को कम होल्ड करके रखता है, इसकी वजह से जानवर सफोकेट करने लग जाते हैं, और बहुत सारे जानवर तो वहाँ से भागने से पहले ही मर जाते हैं हवा की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। और इसकी वजह से एक और चीज़ होती है जिसका नाम है अल्गल ब्लूम, बहुत सारा अल्गल ब्लूम हो जाता है इसे पानी में। आपने देखा होगा कुछ पानी के सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं अल्गल ब्लूम, और ये रिलीज़ करती है बहुत सारे जहरीले पदार्थ जो कि एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में रहने वाले जो पौधे हैं उनकी लाइफ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जो वल्नरेबल स्पीशीज़ होती हैं वो मर जाती हैं या वहाँ से भाग जाती हैं, माइग्रेट हो जाती हैं, तो इनडेंजर्ड स्पीशीज़ और थ्रेटेंड स्पीशीज़ के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है इसकी वजह से। और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जैसे जो ये थर्मल शॉक है जो अचानक से जो गर्म पानी आता है ये इंसेक्ट्स को कई सारे और कई सारे फिश स्पीशीज़ को और एम्फीबियंस को किल कर देता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में बैलेंस ख़राब हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्होंने इनको खाना था, तो अब अगर यही नहीं है तो वो खाएंगे क्या। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी जो थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं वो ख़त्म ही हो जाती हैं, जैसे कोरल रीफ, ये भी इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, इनकी भी ब्लीचिंग हो जाती है। ब्लीचिंग बोलते हैं वाइट हो जाने को किसी चीज़ के। ठीक है, ब्लीचिंग हम जब यूज़ करते हैं तो हम क्यों यूज़ करते हैं ब्लीच किसी चीज़ को सफ़ेद करने के लिए, तो कोरल रीफ ब्लीचिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कोरल मरते हैं तो वो वाइट हो जाते हैं, तो उनके मरने को ही हम कोरल रीफ ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की, अंडे डिफेक्टेड आते हैं उनके और बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं कई सारे जानवरों में, कई सारे जानवरों की तो बायोलॉजी चेंज कर देता है ये गर्म पानी। ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है ऑर्गेनिजम्स की वो कम हो जाती है।
इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म होता है एनर्जी की कंजम्पशन बॉडी से अगर ज़्यादा हो, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी मांग रही है अब उसको, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है तो ज़्यादा एनर्जी मांग रही है, मतलब ज़्यादा भूख लग रही है जानवरों को गर्म पानी की वजह से। तो अगर भूख ज़्यादा लग रही है तो उनको फूड भी ज़्यादा चाहिए, पर हो सकता है उस इकोसिस्टम में इतनी फूड मौजूद ही ना हो। अडाप्टेबल जो स्पीशीज़ हैं वो तो ठीक से रह जाती हैं, पर जो स्पीशीज़ अडाप्ट नहीं कर पाती हैं वो सिंपली भूखमरी का शिकार हो जाती हैं। इसमें थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कुछ मैन मेड पॉन्ड्स बनाए जाते हैं या मैन मेड कुछ कूलिंग टावर्स बनाए जाते हैं जो कि गर्म पानी को ठंडा कर देते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो कूलिंग पॉन्ड होता है इसमें एक तरफ गर्म पानी डाला जाता है और दूसरी तरफ ठंडा पानी निकाला जाता है, और जो बीच में गर्मी होती है वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाती है। ऐसा ही कूलिंग टावर का भी सिस्टम है, हीट ट्रांसफ़र और एवापोरेशन से ये भी पानी को कूल कर देते हैं। आपको तो पता है एवापोरेशन की वजह से सरफेस कूल हो जाती है, तो पानी ठंडा करने का भी ये अच्छा तरीका है। और जो ये कूलिंग टावर होते हैं ये स्पेस भी कम लेते हैं कूलिंग पॉन्ड की तुलना में। ठीक है, अब नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है अनवांटेड शोर को, ऐसी ध्वनि को जो हमें चाहिए नहीं होती और वो काफ़ी लाउड होती है, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे उसका असर भी पड़ता है। एक नॉइज़ की इंटेंसिटी को नापा जाता है डेसीबल में, डीबी बोलते हैं, और अगर 30 डेसीबल यानी 30 डेसीबल से ज़्यादा अगर आवाज़ हो, आवाज़ की इंटेंसिटी हो, उसको नॉइज़ कहा जाता है। अ पर्सन कैन बियर अप टू 85 डेसीबल, एक इंसान 85 डेसीबल तक बर्दाश्त कर सकता है साउंड को, इसके ऊपर अगर होगी तो उस इंसान की हेयरिंग जो पावर है वो ख़त्म हो सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन आती कहाँ से है, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जैसे गाड़ियाँ, स्कूटर, ट्रक, बसेस, सबसे ख़तरनाक जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जैसे कुछ एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स होती हैं, इनके हॉर्न्स हैं गाड़ियों के बहुत सारे ये, और कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, उनकी वजह से काफ़ी सारा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। और इस नॉइज़ के नुकसान क्या हैं, टेम्परेरी या परमानेंटली हमारी जो सुनने की क्षमता है वो जा सकती है, और कुछ डेडली डिजीज लग सकते हैं जैसे इम्पोटेंस, इम्पोटेंस होती है पावरलेसनेस हो जानी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, कैंसर तक हो सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, कंसंट्रेशन यानी ध्यान नहीं लगा सकते इंसान अपने काम में, स्पीच अच्छे से नहीं कर पाते, इरिटेशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है और डिप्रेशन हो सकता है, और हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने के चांस रहते हैं, यानी हार्ट की डिजीजेज बढ़ने के भी चांस रहते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज भी हो सकती हैं जैसे जो दिमाग के सेल्स होते हैं उनका पूरा ब्रेकडाउन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, विजन यानी आईसाइट में कमी, किसी को चक्कर आ सकता है, बहुत सारा पसीना आ सकते हैं, शोर की वजह से नींद कम आती है, और नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया की वजह से इंसान की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, इरिटेबल टेम्पर हो जाता है, एंग्री हो जाता है इंसान, टायर्ड और टेंस होता है हमेशा, और न्यूरोटिक हो सकता है। न्यूरोटिक कैसा इंसान होता है जो हर चीज़ में नेगेटिव होता है, और 180 डेसिबल इंटेंसिटी की अगर साउंड कोई सुन ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। ज़्यादा शोर की प्रेजेंस में इंसान के डाइजेस्टिव जूसेस की प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी जूसेस बनना भी कम हो जाते हैं जो कि खाने को हजम करते हैं। इससे बचा कैसे जाए, जो साउंड एम्पलीफायर होते हैं हाई पावर के वो, और जो डीजे सिस्टम वगैरह होते हैं इनको बैन कर दिया जाना चाहिए रिलीजियस और सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स से, क्योंकि इन्हीं जगहों पे इनको ज़्यादा चलाया जाता है, तो यहाँ से इनको बैन कर दिया जाना चाहिए टोटली। और जो सेटलमेंट्स होती हैं वो 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए एयरपोर्ट से और माइनिंग साइट से, क्योंकि माइनिंग साइट्स में भी काफ़ी सारा शोर होता है, और माइनिंग साइट पे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हें कान को अच्छे से एयर प्लग्स लगा के रखने चाहिए ताकि उनको आवाज़ ना आए शोर की ज़्यादा। जो एक्सप्लोजिव होते हैं जो माउंटेन से, फॉरेस्ट से या माइनिंग एरिया से काफ़ी दूर रखे जाने चाहिए, और जो डेंस कवर होना चाहिए प्लांट्स का,
डेंस कवर प्लांट्स का इसका मतलब है बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए एक एरिया में, गाड़ियों के, सड़क के आसपास, मतलब सड़क के किनारे पे, हर जगह पे। इनका फ़ायदा ये है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो हाई साउंड वेव्स जो होती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो शोर को अपने अंदर एक किस्म का एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो इससे भी नॉइस पोल्यूशन की कमी होती है। ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कुछ सुझाव अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।